हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मदर्स डे को हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को ही क्यों मनाया जाता है। एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता कितना खूबसूरत व अटूट होता है यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, परंतु इसी प्यार को एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए मदर्स डे मनाया जाना प्रारंभ हुआ। 9 मई 1914 को अमेरिकी प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन द्वारा एक नियम पारित किया गया जिसमें कहा गया कि मई महीने के हर दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद अमेरिका समेत कई देशों में मदर्स डे मनाया जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि एक अमेरिकी एक्टिविस्ट जार्विस, जो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती थी, माँ की मौत के बाद प्यार जताने के लिए उन्होंने इस दिन की शुरुआत की और तभी से धीरे धीरे कई देशों में मदर्स डे मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, यह है मदर्स डे मनाए जाने के पीछे का इतिहास। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।